फलकवाल, आज मैं आपके सामने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 4 इसका पार्ट फर्स्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। देखिए, आज का जो मेरा बिंदु है वह है लेसन 4, इसका नाम है बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, यानी बिपिन चौधरी की स्मृति किस प्रकार से समाप्त हो जाती है, यानी उससे थोड़ा विस्मरण हो जाता है, पिछली बातें ध्यान में नहीं रहती है, इससे संबंधित पाठ आपको पढ़ रहा हूं। पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, ड्रॉप इन मीन्स रुकना, थ्रिलर्स रोमांचक कहानियां, आइडल से व्यर्थ गपशप, नीड मीन्स विनम्र, बुक सेल्स पुस्तकों की दराजे, क्लोज क्वार्टर्स निकट से, रिकॉल मीन्स याद आना, प्रीफर उपयुक्त समझना, इनसेन मीन्स पागल, डिसबिलीव अविश्वास, लैंडिंग मीन्स उतरना, आईब्रोज धोएं, फॉल्स झरना या कपार जलस्रोत होता है, मेमोरी मीन्स स्मृति, ऑब्जर्व मीन्स देखना, रिकॉग्नाइज पहचानना, अरेंज प्रबंध किया या व्यवस्था की, मिस्टेक मीन्स गलती, आर्गुमेंट बहस या तर्क, स्ट्रेंथ मीन्स अजीब, मेंटल हॉस्पिटल पागलों का अस्पताल, वह अस्पताल जहां पर पागल व्यक्तियों का इलाज होता है। तो अब आपके वर्ड्स में समझ में आएगी। ट्रांसलेशन समझाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने पाठ्य पुस्तक जिसका नाम हनी ड्यू है उसका लेसन 4 पेज क्रमांक 59 खोले, ताकि मैं जब आपको ट्रांसलेशन समझाऊं तो ढंग से समझ में आ सके। देखिए, बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की स्मृति का खोना, किस प्रकार से अपनी याद खो देते हैं आपको समझ में आएगा। एवरी मंडे प्रत्येक सोमवार ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम से वापस आता था तो प्रत्येक सोमवार को बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में कालीचरण दुकान पर रुका करते थे टू बाई बुक्स। प्रत्येक सोमवार को जब काम से वापस आते थे तो पुस्तकें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण नाम की दुकान पर वो रुकते थे। क्राइम स्टोरी अपराध की कहानियां, घोष स्टोरी भूतों की कहानियां, थ्रिलर्स रोमांचक कहानियां, ऐसी वो खरीदती थी। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 बुक्स एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, उसे लगभग एक बार 5 पुस्तकें खरीदनी होती थी ताकि वो पूरे सप्ताह तक वो चल सके। ही लिव्ड अलोन, अकेला रहता था, वाज नॉट ए गुड मिक्सर, अच्छा मिलनसार व्यक्ति नहीं था, यानी ज्यादा व्यक्तियों से मेल जोल उसका नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, कोई मित्र भी नहीं थे और फालतू की गपशप में
समय बिताना उसे पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू हैड द फीलिंग्स दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसको कोई व्यक्ति बहुत निकट से और ध्यान से देख रहा है। जो विपिन बाबू था कालीचरण नामक दुकान पर, उसे लगा कि कोई व्यक्ति बहुत निकट से उसको ध्यानपूर्वक देख रहा है। ही टर्न राउंड वह चारों तरफ मुड़ा एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस, एक गोल चेहरे वाला व्यक्ति उसे देख रहा था। जब पीछे मुड़ा तो उसको पता लगा कि गोल चेहरे वाला व्यक्ति उसको क्या है, देख रहा था। मीक लुकिंग मैन, विनम्र दिखाई देने वाला व्यक्ति, हु नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, जो मुस्कुराने लगा। विपिन बाबू को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराने लगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, उस आदमी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये मुझे भूल गया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरे सप्ताह मिले थे, रोज मिलते थे। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुडरू फॉल्स, और तुम्हें हुडरू फॉल जलप्रपात तक ले जाने के लिए मैंने कार का प्रबंध भी किया था। तुम मुझे भूल गए, वो व्यक्ति कह रहे कि हम 7 दिन तक लगातार मिले थे और मैंने तुम्हारे लिए हुडरू जलप्रपात है वहां पर जाने के लिए कार का प्रबंध भी किया था, भूल गए सब। इन 1958 इन रांची 1958 में रांची में माई नेम इज परिमल घोष। अब वो अपना परिचय बताता है, मेरा नाम परिमल घोष है, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज, रांची का नाम सुनकर उस विपिन बाबू को बड़ा अचंभा हुआ, उसे महसूस हुआ दैट इट वाज नॉट ही, इट वाज नॉट ही, वह व्यक्ति नहीं था, बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, यह व्यक्ति लेकिन एक गलती कर रहा था, यह मुझे पहचानने में गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, तो विपिन बाबू कभी रांची नहीं गए तो यह व्यक्ति कैसे जानता है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम, उसने इस बिंदु पर जाने के लिए अनेक बार विचार किया, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी नहीं जा सका। ही स्माइल एंड सेड, वह मुस्कुराया और उसने कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। द मैन रेज हिज आईब्रोज, उसने अपनी आंखों की भौहों को ऊपर उठाया, बिट हिज टंग, अपने जीभ को काटा एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। हु डिडंट नो विपिन चौधरी, अरे विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, तुम मुझसे पूछे हो क्या मैं तुम्हें जानता हूं, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, यानी आपको तो सब जानते हैं। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवार्ड द बुक सेल्फ,
पुणे पुस्तकों की दराज की ओर मुड़ गया, बुक सेल्फ वापस पुस्तकों की ओर मुड़ा एंड सेड और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, भाई अभी भी तुम गलती कर रहे हो, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो तुम मुझे जानते हो। वन आफ्टर डेथ, वन ऑफन डेथ, प्राय व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया तो मैं तुमसे कैसे मिलू ना, ये बताया। द मैन नाउ लॉट अलाउड, अब वो व्यक्ति जोर से हंसने लगा, कैसा व्यक्ति है यार, खूब मिले थे पहचान लिया। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी तुम क्या कह रहे हो, यू हैड फॉल इन हुडरू एंड कट योर राइट नी, तुम हुडरू में गिर गए थे और तुम्हारे दाहिने घुटने में चोट लग गई थी, याद करो। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था, दवा में तुम्हारे लिए लाया था। आई हैड फिक्स अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रगढ़ नेत्र चेक, मैं नेत्र है जाने के लिए तुम्हारी कार का प्रबंध भी मैंने कर दिया था। बट द नेक्स्ट डे, अगले दिन या दूसरे दिन नेटर हट जाने के लिए मैंने तुम्हारे कार की व्यवस्था भी की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम वहां जा नहीं सकी क्योंकि उस दिन तुम्हारे घुटने में क्या थी, चोट थी। बट यू कुडंट बिकॉज क्या, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इतनी सारी घटनाएं हुई थी फिर भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो, कोई कोई व्यक्ति तुम्हें जानता है, वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और उस समय तुम्हारे साथ कोई एक व्यक्ति और था, उसका नाम था मिस्टर दिनेश मुखर्जी, कौन था बताइए, दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगला, तुम वहां पर एक बंगले में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, और तुमने ये कहा था कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं था, तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं था। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुकिंग बाई ए बावर्ची, और तुमने ये भी कहा था कि तुम जो रसोई के द्वारा बनाए गए खाने को खाना ज्यादा पसंद करते। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ रुके हुए थे, ध्यान करो। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट मून लैंडिंग, चंद्रमा पर उतरने के बारे में तुमने बहुत बड़ी बहस की थी मुझसे, वार्तालाप हुई थी हमारे मन, रिमेंबर याद करो, सब याद रखेगा। आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरी ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, जब कभी भ्रमण पर जाते थे, स्थानों का भ्रमण करने जाते थे, तो तुम अपने बैग में पुस्तकें भरकर रखते थे। एम आई राइट और नॉट, अब बताओ क्या मैं सही था या गलत, बताइए याद करो। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू चुपचाप शांतिपूर्वक बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक, उसकी आंखें तो अभी तक भी पुस्तकों पर जमी हुई थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, बताइए 1958 में कौन से महीने की बातें कर रहे हो, कौन से महीने की बातें। द मैन सेड अक्टूबर, ये अक्टूबर के महीने की बात। नो सर, नहीं श्रीमान जी ऐसा नहीं है, विपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन
58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। अक्टूबर के महीने में तो मैंने दोस्त के साथ कानपुर में पूजा बिताई थी। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपने किसी और को देखा होगा, सुप्रभात, गुड डे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी गया नहीं। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और न उसने बात करना बंद किया। वो व्यक्ति ने तो वहां से गया और न उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगला, तुम्हारे बंगले के बरामदे में हमने शाम को चाय ली थी, याद करो। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने यह भी कहा था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं थे। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने ये भी बताया था कि तुम 10 वर्ष पहले अपनी पत्नी को खो चुके थे। 10 वर्ष पहले तुम अपनी पत्नी को खो चुके थे। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, तुम्हारा इकलौता भाई वो भी पागलपन से पागल होकर मर गया था। इतनी बातें तुमने मुझे बताई थी उस दिन जब तुम्हारे बंगले में चाय ले रहे थे। Which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi, इसी कारण तुम रांची के अंदर मेंटल हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं जाते थे। When Bipin Babu had paid for the books, जब बिपिन बाबू ने पुस्तकों की कीमत चुकाई, एंड वाज लीविंग द शॉप, और वो दुकान को छोड़ रहे थे। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, द मैन वाज, वह व्यक्ति अब भी पूर्णतया अविश्वास के साथ उस आदमी को देख रहा था। यानी बिपिन चौधरी उसकी दुकान को छोड़कर चले गए, फिर भी वो व्यक्ति उस बिपिन चौधरी को देख रहा था बिना अविश्वास करते हुए कि निश्चित रूप से वही व्यक्ति है जिसको मैंने देखा। यहां पर हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट सेकंड में मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।